हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी। नमस्कार, न्यूज एट नाइन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज के प्रोग्राम में आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी म्यूजिक सुनाई पड़ेगी क्योंकि ऑफिस में इस समय जश्न का माहौल है और एक पार्टी चल रही है। आइए जल्दी से आज के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। भारत और जीसीसी के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा। जीसीसी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार, क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है जीसीसी। पेंगोलिन के संरक्षण को लेकर साइट्स की बैठक में आया प्रस्ताव। सबसे ज्यादा शिकार होने वाला जानवर है पेंगोलिन, एक मैमल है पेंगोलिन। और मोहनजोदड़ो की खोज के 100 साल हुए पूरे। सिंधु घाटी सभ्यता का अहम स्थल है मोहनजोदड़ो, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में है शामिल। आइए खबरों की शुरुआत करें। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप इस बुलेटिन को पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 ये टेलीग्राम चैनल है, जहां जाइए इसकी पीडीएफ मिलती है। खबर शुरू करें। भारत और जीसीसी ने एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। एफटीए से दोनों पक्षों में रोजगार में वृद्धि और जीवन स्तर में सुधार होगा, साथ ही दोनों पक्षों के व्यापार में विविधता देखने को मिलेगी। जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार ब्लॉक है। दोनों पक्षों के बीच वित्त वर्ष 2021-22 में $154 बिलियन का व्यापार हुआ है। जीसीसी देश भारत के तेल आयात में 35% तो गैस आयात में 70% की हिस्सेदारी रखते हैं। जीसीसी देशों द्वारा भारत में किया गया निवेश $18 बिलियन से ज्यादा है। आपको बता दें कि जीसीसी की स्थापना साल 1981 में की गई थी। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में है। इसके सदस्यों में संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ओमान, कतर, कुवैत, सऊदी अरब शामिल हैं। यह एक क्षत्रिय अंतर सरकारी संगठन है। इराक को छोड़कर पर्शियन गल्फ के सभी अरब देश जीसीसी में हैं। भारत और गल्फ देशों के बीच केवल अरब सागर स्थित है, इसलिए भारत के लिए गल्फ देश रणनीतिक रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साइट्स की COP19 की बैठक पनामा सिटी में आयोजित हो रही है। इसमें पेंगोलिन के भागों के नाम आधिकारिक फार्माकोपिया से हटाने की मांग की गई है, जिससे पेंगोलिन का संरक्षण हो सके। साथ ही देशों को अपने यहाँ एक राष्ट्रीय कानून को लागू करने की बात भी कही गई है, जिससे पेंगोलिन के इलीगल ट्रेड को रोका जा सके। गौरतलब है कि पेंगोलिन दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग का शिकार जानवर है। पेंगोलिन का मांस और चाइनीज दवाओं में प्रयोग के लिए शिकार किया जाता है। इसके अलावा इसके स्किन का प्रयोग बैग्स, बेल्ट और शूज बनाने में भी किया जाता है। पेंगोलिन स्केली स्केल्ड मैमल्स हैं। ये चींटियां और दीमक खाते हैं। पेंगोलिन को साइट्स की अपेंडिक्स 1 में शामिल किया गया है। दुनिया में पेंगोलिन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन भारत में पाई जाती हैं। ये दोनों प्रजातियां भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में दर्ज हैं। साल 2022 में मोहनजोदड़ो की खोज के 100 साल पूरे हो रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहर मोहनजोदड़ो की खोज साल 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक है। सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। यह सिंधु सभ्यता के शहरी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। यह शहर दो भागों में विभाजित है, छोटा हिस्सा ऊंचाई पर तो निचला हिस्सा आकार में बड़ा है। यहाँ के घरों में बाथरूम और ड्रेनेज की सुविधा थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नियोजित शहरों की श्रेणी में रखा जाता है। मोहनजोदड़ो से खुदाई में डांसिंग गर्ल की प्रतिमा, पशुपति, मुहर और अन्य गृह हासिल हुए हैं। मोहनजोदड़ो को साल 1980 में पाकिस्तान की तरफ से यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि राखलदास बनर्जी एक प्रसिद्ध भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने साल 1911 में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्वाइन किया था। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने शपथ ली। उन्हें इस पद पर मलेशिया के किंग अल सुल्तान अब्दुल्ला ने नियुक्त किया है। उन्होंने देश में भ्रष्टाचार को मिटाने और अर्थव्यवस्था पर फोकस करने की बात कही है। मलेशिया में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं किंग राष्ट्र प्रमुख होता है। मलेशिया दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। इसे पूर्व में ब्रिटिश मलय के नाम से जानते थे। इसके दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र साउथ चाइना सी से अलग होते हैं। पश्चिमी मलेशिया को पेनिनसुलर मलेशिया के नाम से जाना जाता है। यह सिंगापुर और थाईलैंड से बॉर्डर साझा करता है। पूर्वी मलेशिया को मलेशियन बोर्नियो के नाम से जानते हैं। यह इंडोनेशिया से सीमा साझा करता है।
मलेशिया में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किनाबालू है। मलेशिया 17 मेगा ड्राइवर्स देशों में से एक है। आइए जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, दो भागों में विभाजित सिंधु घाटी सभ्यता का ये शहर मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। हाल ही में इसकी खोज के 100 साल पूरे हुए हैं। यह पद निम्न में से किस शहर को संदर्भित करता है? धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी या फिर बुर्जहोम। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनवर इब्राहिम मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। पेंगोलिन एक मैमल है। GCC एक क्षत्रिय अंतर सरकारी संगठन है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। आइए अब देख लेते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, खबरों में रहा शादानी दरबार कहाँ स्थित है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल या फिर अफगानिस्तान। सही जवाब है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। अगला सवाल था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD भारतीय नेवी द्वारा आयोजित किया जाता है। IPRD की साल 2022 की थीम ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव्स रखी गई है। सतत विकास लक्ष्य 2 गरीबी मिटाने से संबंधित है। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना था और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल एक और दो। तो आज के बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये पहल अच्छी लगी होगी। जरूर कमेंट में उन सवालों के जवाब लिखिए जो आज पूछे गए हैं। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।